महादेव सिंह काजला, राजस्थान ग्राम विकास दारी संघ जिला अध्यक्ष सीकर। हमारे 4 अगस्त से प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार संपूर्ण कार्यों का ग्राम पंचायत को बहिष्कार चल रहा है। 4 तारीख से 31 तारीख तक हम ग्राम पंचायत पंचायत समिति मुख्यालय पे धरना दिया जा रहा था। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जिला मुख्यालय पे हमारी मांगों के संबंध में लिखित समझौता जो लागू नहीं कर रहे हैं उनके विरोध में हम जिला मुख्यालय पे धरना दे रहे हैं। आज दूसरा दिवस है धरने का और हमारा 10 तारीख तक ये धरना जिला मुख्यालय पे चलेगा। राज्य सरकार के साथ पंचायत राज मंत्री महोदय के द्वारा लिखित में समझौता हुआ था, उनको आज 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए लेकिन वो आदेश जारी नहीं करें। उनको बार बार हमने निवेदन करने के बाद भी राज्य सरकार को हमने ज्ञापन दिया है। क्रमबद्ध पंचायत समिति मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे और पंचायत राज विभाग में क्रमबद्ध हमने ज्ञापन दे के ये आंदोलन 4 अगस्त से हमने चालू किया था। 10 तारीख जिला मुख्यालय पे है। अगर 10 तारीख तक हमारे लिखित में आदेश जारी नहीं होंगे, समझौते को जारी नहीं किया जाएगा, तो 11 तारीख से प्रदेश पे हमारे संपूर्ण ग्राम विकास के द्वारा सत्य अहिंसा मार्ग पे धार्मिक अनशन हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के द्वारा समस्त जिले के साथियों के द्वारा किया जाएगा। अगर फिर भी 2 अक्टूबर तक ये आदेश जारी नहीं करेंगे तो वहाँ संपूर्ण ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा भयंकर रूप से एकत्रित होकर हम आंदोलन करेंगे। उसके प्रदेश कार्यकारिणी नए आगाज और नया कार्यक्रम जारी करेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी राजस्थान के ग्राम विकास मिलकर करेंगे। हम अपनी खबर चैनल के माध्यम से हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार जो कर्मचारी हितार्थ सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी मांगे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि आपने हमेशा ही कर्मचारी हितों को ध्यान में रखा है, इसलिए हम नया कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं जो 11 दिसंबर को समझौता हुआ था आपके उच्च अधिकारियों के समक्ष, हम उन्हीं समझौतों को लागू करने के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। हम नया नहीं न्याय चाहिए, नया नहीं न्याय चाहिए, इस प्रकार के आंदोलन पर कर रहे हैं। हम पुनः अपील करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, एक संवेदनशील सरकार से, कि हमारी जो मांगे हैं आप उनको गौर करते हुए पूरी करने की कोशिश करें। जय संगठन, जय हिंद।